हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आखिरी सीरीज़ की, ब्रह्मांड विस्मरण का अगला भाग। इस बात से अनुभव कि उसका यह बलिदान उस शख्स के लिए वरदान से होने वाला था जो पूरे ब्रह्मांड को अपने कदमों पर झुकाने की नीयत लिए बैठा था। या तो मनमांगी मुराद पूरी हो गई। मैं परमाणु को यहाँ लाने की तरकीब सोच रहा था और परमाणु खुद ही यहाँ पहुँच गया। जड़वत हो चुकी रक्तपांसुओं की आणविक संरचना को कंट्रोल करते हुए परमाणु अपने मस्तिष्क से उन्हें संचालित कर रहा था और रक्तपांसुओं की प्राकृतिक सुविधा उन्हें उन ग्रहों की ओर खींचती थी जिन पर मानव सभ्यता ट्रांसफ्यूज हुई थी। ऐसे एटॉमिक रिंग्स से बंधे हुए रक्तपांसु ऐसे पृथ्वी की ओर खींचेंगे जैसे पतंगे रोशनी की ओर खींचते हैं। प्लान का पहला चरण सफल रहा। मैं सही समय पर अपनी अनियंत्रित हो रही शक्तियों पर काबू पाने में कामयाब रहा। वहाँ परमाणु की आणविक शक्तियाँ ब्रह्मखंड ऊर्जा से भरी हुई हैं और जिस मात्रा में परमाणु इनका क्षरण कर रहा है उससे जल्द ही ब्रह्मांड में बिखरे मेरे शरीर के कण सम्मिलित हो जाएंगे। जल्द ही परमाणु को अंदेशा भी नहीं था कि उसकी शक्ति से उत्पन्न हुआ गुरुत्वाकर्षण उसके और मानवता के शत्रु को जीवन दान दे रहा था। हम उत्तम अति उत्तम मेरा शरीर तेजी से पुनर्निर्मित हो रहा है। जल्द ही हम बड़ी मुश्किल से वापस मिला है। मेरा शरीर में ध्यान रखना होगा, अपने पहले वाली गलतियां दोबारा ना दोहराऊं। मुझे अभी परमाणु नागराज या किसी भी अन्य ब्रह्मांड रक्षक से नहीं उलझना है। अगर ब्रह्मांड को अपने काबू में करना है तो ब्रह्मांड रक्षक को सामने से नहीं पीछे से वार करना होगा। उसके लिए मेरे पास उपयुक्त प्लान है। प्लैनेट मैक्टेरियम प्रेजेंट टाइम। हम कहाँ जा रहे हैं? संधि वार्ता के लिए पृथ्वीवासी हमारे ग्रह के अग्रणी हमारे पृथ्वी सर मैक्रोबॉट के पास। सर मैक्रोबॉट हमारे कंबेटर डोगा और स्टील नामक उन पृथ्वीवासियों को ला रहे हैं जिनके पास वे हथियार हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओह, इन दोनों को तो हम भूल ही गए थे। जितना ज़रूरी पृथ्वी और उत्तर दीवी को ख़त्म करना है उतना ही ज़रूरी इन दोनों को ख़त्म करना भी है। अपने स्कैनर्स को एक्टिव कर दो और इन दोनों के अलावा बाकी जिन पृथ्वीवासियों के पास ऐसे पैसे वेपन्स और फायर आर्म्स हों जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं उन्हें ख़त्म कर दो। स्वागत है ब्रह्मांड रक्षकों ट्रेमस और लीडर मैक्रोबॉट आपकी ओर मैसेज का हाथ बढ़ाते हैं। हम धरतीवासी भी शांति और संधि चाहते हैं। मैक्रोबॉट अपनी सच्चाई और मित्रता का सबूत देने के लिए हमने हर प्रकार के हथियार पृथ्वीवासियों पर से हटा लिए हैं। हमारे ट्रूपर आपके पृथ्वीवासियों का पूरा ध्यान रख रहे हैं। बीमारों को मेडिकल सर्विसेज दी जा रही हैं क्योंकि हमारे ग्रह मैक्ट्रेम पर सिर्फ मेटाह्यूमंस हैं जिन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने खासतौर पर पृथ्वीवासियों के लिए दूसरे ग्रहों से वनस्पतियों और अन्य खाद्य व पेय पदार्थ मंगाए हैं। हमारी मित्रता का सबूत देने वाली तुम्हारी है ब्रह्मांड रक्षकों को भेज दो अपने हथियार। फिर हम मैत्रीपूर्ण वातावरण में बैठकर कोई रास्ता निकालेंगे कि कैसे तुम्हें वापस तुम्हारे ग्रह भेजे जा सके। यह तो इतना ज़्यादा मैत्री रट रहा है कि मुझे पाकिस्तान याद आने लगा। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। यह जरूर कोई चाल चलेंगे या फिर ये वाकई हमारी मदद करना चाहते हैं। जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें हथियार डालने होंगे। समझने की कोशिश करो स्टील। सवाल सिर्फ हम दोनों का नहीं है। अगर हमने हथियार डाल तो लाखों करोड़ों पृथ्वीवासी भी इनके रहों कर्म पर होंगे। समझने की कोशिश तुम करोड़ोगा। अपने आग उगलने वाले हथियार डालो, हम डालते हैं। धोखा, इन्हें समझने का कोई मौका मत देना मैक्रोबॉट। मैंने हमारे ट्रूपर्स को कमांड वेव भेज दिया, अगले ही पल वे यहाँ होंगे। तुम्हारे यदने से हथियार या मैक्ट्रोमियस के लिए ब्रह्मांड के सबसे घातक सिद्ध हो सकते थे। अब जब हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे सामने घुटनों पर हैं तो सबसे पहले मैं तुम्हारी नज़रों के सामने तुम्हारी पृथ्वी और तुम्हारे लोगों को ख़त्म करूंगा। उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी डोगा। अब स्टेज की आवाज़ पर डोगा के हाथों में उसकी स्पेशल कटारे चमचमा रही थी। मैं सही समय पर तुम्हारे सारा समझ गया था स्टील। अपने आग उगलने वाले हथियार डालो। तुम्हें भी यकीन था कि यह धोखा देंगे। तुम्हें भरोसा था कि ये भरोसे के लायक नहीं है और मुझे तुम्हारे भरोसे पर भरोसा था। बैंग बैंग। अच्छी बात तो यह है कि ब्रह्मांड के ज़्यादातर ग्रह वाले पृथ्वीवासियों को इतना कमतर समझते हैं कि हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। यह बात हमारे लिए फायदेमंद साबित होती है। तुमने तो अपनी मृत्युता का सबूत दे दिया। अब हमारी महत्वपूर्ण तरीके से तुम्हारी चिंता उड़ाने की। तुम लोग अपनी ताकत और हथियारों को जरूरत से ज़्यादा करके आंक रहे हो। तुम्हारे हथियार डलवाने के लिए जो रस्म ने तुम्हें दिखाए थे उनका सच भी जान लो। जो वनस्पतियाँ और पृथ्वीवासियों को हम दे रहे हैं वो जहरीली हैं। धीरे धीरे ये वनस्पतियाँ पृथ्वीवासियों को इतना असक्त कर देंगे कि आत्मरक्षा करने लायक भी नहीं रहेंगे। मैक्ट्रियम वासियों को
जीवित रखने के लिए जिस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उनसे लेड और ऐसे अन्य कई रसायन मिश्रित होते हैं जो कि तुम मानवों के लिए जानलेवा हैं। हम वातावरण में मौजूद विभिन्न रसायनों और गैसों को कंट्रोल करते हैं और अब हमारे आदेश पर मैक्ट्रियम का वायुमंडल इतना जहरीला कर दिया जाएगा कि जिससे तुम पृथ्वीवासी कीड़े की तरह मर जाओगे। उससे पहले ही डोगा तुम लोगों को स्पेसजंक बना चुका होगा। तुम्हारी उंगली हिलने से पहले ही मेरी मानसिकता इस ग्रह का ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले संयंत्र में कार्यरत वर्कर्स को सिग्नल दे देगी और इस ग्रह की आब हवा बदल जाएगी। फैसला तुम्हारा है। अब मैं रोबोट की बात मानने के अलावा डोगा और शील के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वे एक लगभग जीती हुई बारी हार चुके थे। इन्हें अभी मत मारना बर्टोनिक, इन्हें हमारी एक्सट्रीम सिक्योरिटी सेल में डाल दो। मैंने ब्रेन वेव संयंत्र ऑपरेटर को सिग्नल भेज दिया। कुछ ही देर में जहरीली वायु से पृथ्वीवासी कीड़ों की तरह तड़प कर मरेंगे। मैक्रोबोट के आदेश पर मैक्रिटेम के वायुमंडल तेजी से जहरीला हो रहा था जिससे वहाँ ट्रांसफ्यूज पृथ्वीवासी वाकई मृत्यु के कगार पर पहुँच गए थे। पर करोड़ों की हजूम में कुछ चंद भर मिट्टी भर ऐसे भी थे जिन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी। उनका उद्देश्य था मानवता की रक्षा करना। चारों ओर देख लिया है। मैंने यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 12,000 किलोमीटर दूर एक विशाल का एलियन क्राफ्ट हवा में तैर रहा है जो कि वास्तव में एक विशाल एलियन क्राफ्ट हवा में तैर रहा है जो कि वास्तव में एक संयंत्र है। उस संयंत्र से ही पूरे ग्रह की वायु संरचना कंट्रोल हो रही है और वहाँ इस ग्रह के खतरनाक ट्रूपर्स का जबरदस्त पहरा है। वायु संयंत्र मेरा मतलब मेरा ख्याल सही था। मिस्टर रसायन, क्या तुम इस केमिकल लोचे को ठीक कर सकते हो? तुमने शायद गुनाहगार की बात नहीं सुनी। संयंत्र पर खतरनाक ट्रूपर्स का जबरदस्त पहरा है। मुझे आत्महत्या करने का कोई शौक नहीं है। मरोगे तो ऐसे भी बेवकूफ़। जिंदगी की मौत के जबड़ों से खींचने की जंग लड़ते हुए मरना है कायरों की तरह बैठकर मौत के इंतजार से कहीं बेहतर है। यहाँ चारों ओर एलियन ट्रूपर्स तैनात हैं। उन्हें डॉस करके हम संयंत्र तक कैसे पहुँचेंगे? और अगर पहुँच भी गए तो उसकी टाइट सिक्योरिटी तोड़ कर भीतर कैसे जाएंगे? तुम फिक्र मत करो। नथिंग टू फियर एंड सुपर इज हेयर। हमारी दूसरी टीम की क्या पोजीशन है? तुम्हें कभी किसने बताया कि तुम कुछ ज़्यादा बड़े बोले हो? मैं सुपर इज हेयर हूँ। बाय द वे, दूसरी टीम इन एलियंस के स्पेस कंट्रोल सेंटर में कुछ स्पेस करने की कोशिश कर रही है। मेरे फॉर्मर चाचाओं को बैकअप की जरूरत है। बेचारे कुछ जरूरत से ज़्यादा जोश में आ रहे हैं। दिमाग की जगह बारूद लगा देते हैं और सुपर इंजन दिमाग को बारूद देने में विश्वास रखता है। पृथ्वीवासी इधर जा रहा है। यहाँ फौरन नष्ट कर दो इन्हें। देखिए नहीं हो रहा कि हम यह कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा? उसने कहा तो करेगा तो करेगा। डांडर टू पर हम पर फायर करने वाले ही हैं। 9:11 टू पर इन विशेष पृथ्वीवासियों की शक्तियों से वाकिफ नहीं थे। इससे पहले वे कुछ समझ पाते पृथ्वीवासी उनके सरों पर सवार थे। बड़ी ऊर्जा वार कर रहे थे ना। जरा इस ऊर्जा को भी चेक कर देखो। ऐसी ऊर्जा का वार कभी तुमने जिंदगी में नहीं सीखा होगा। इनकी मशीनरी सिस्टमों में इतनी वाफ भर देगी कि स्टीमर की जगह यह जंग खाए लोहे का ढेर बन कर रह जाएंगे। तैतान का बाप है तू लड़के। जब सभी पृथ्वीवासी अज्ञात ग्रह पर मौत से जूझ रहे थे तब तू सुपर ह्यूमंस को इकट्ठा कर रहा था। तूने इन पर ग्रहियों के ग्रह पर नहीं ख़त्म करने की पूरी स्कीम भी तैयार कर ली और टीम की पृथ्वीवासियों पर वार करते टूपर्स को नष्ट करके उनका यह रोवर भी हथिया लिया तूने। नौरतन दुबे, तुमने अपना काम कर दिया। अब तुम्हें वापस लौटना और गुनाहगार के हाथ मिलकर इस ग्रह पर मौजूद सभी पृथ्वीवासियों को एक जगह एकत्रित करना है। बीमारों के उपचार के लिए नीम हकीम गुनाहगार के साथ ही मौजूद हैं। इस षडयंत्र के दरवाजे शायद कोड लॉक्ड हैं। मैं स्ट्रीम बनाकर भी इनके पास नहीं जा पा रहा हूँ। हमारी कोशिशें भी नाकामयाब हुई। हम इस दरवाजे के पास ट्रांसमिट नहीं हो पाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बुहार भी दरवाजे को गला नहीं पा रही। लो फ्लॉप हो गई तुम्हारी स्कीम। काफ़ी इस दरवाजे को तोड़ने के लिए अडिग हमारे साथ होता। अडिग नहीं तो ना सही, लेकिन दरवाज़ा टूटेगा जरूर। इधर कोई आ रहा है लगता है। टूपर्स हमारी उम्मीद से पहले यहाँ पहुँच गए। नहीं टूपर्स नहीं, आप हमारी बैकअप टीम है। यह है टन, प्राचीन भारतीय योग विद्या द्वारा इसने अपने शरीर को भेद वाला बदल दिया है। फिर भी बेचारा मेरे फॉर्मर चाचू स्टील से पिट गया और पहुँचा मेरे भूतवर आंटी वंडर वूमन की शरण में जिसने प्राचीन योग में अपना उन्नत विज्ञान का तड़का लगाया और मुझे लो बजट वाला अटिंग मिल गया। दोबारा मुझे इस नाम से पुकार और तेरा भी हाल इस दरवाजे जैसा होगा।
है दूसरे कंटेस्टेंट से, आप सबसे वाकिफ होंगे, लोहार के ब्रांड एम्बेसडर हैं मगर। हाँ, मुझे टाइटल मुझे पसंद आया छोकरे। और ये है मेरे कंटेस्टेंट नंबर 3, कॉन्ग किंग कॉन्ग, बग बग करता है तो लड़के। यह किंग कॉन्ग की मजबूरी है कि इस वाहियात से निकलने के लिए मुझे तुम लोगों के साथ समझौता करना पड़ रहा है। टेन हैमर और किंग कॉन्ग की सम्मिलित शक्ति के सामने 12 फुट मोटा वेद धातु का दरवाज़ा भी ना टिक सका। अब यहाँ से तुम्हारा काम शुरू होता है मिस्टर रसायन, तुम्हारे पास समय नहीं है। वायु अभी इतनी जहरीली हो चुकी है, 5 मिनट बाद कोई भी प्रतिवासी जिंदा नहीं रहेगा। और अगर 5 मिनट में सिचुएशन नहीं संभाल पाया तो एसेट से डूब मरेगा मिस्टर रसायन। सुपर इंडियन और उसकी टीम वायु संयंत्र का मुख्य द्वार भेज चुके थे इधर डोगा और शील के पास, खुद को आज़ाद कराने का कोई कारगर उपाय नहीं था। हम तब क्या प्लान है? बिना बैकअप सपोर्ट के हम यहाँ से नहीं निकल सकते, और ग्रह पर ऐसा नहीं है जो हमें यहाँ से निकाल सके, क्योंकि किसी के पास वह तकनीक ऐसा जिगर नहीं होगा जो कि इस हाईटेक स्पेस प्रिजन सेल को भेद कर हम तक पहुँच सके। प्रिजन के पहरे पर तैनात ऊपर से पार पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। यह उस प्रिजन सेल के एंट्रेंस सकती है, इसका दरवाज़ा बिना शोर किए किसी हाल में नहीं खुलेगा। बंदूकों का शोर बाकी ट्रूपर्स का ध्यान हमारी ओर खींचेगा। इस मशीनी परग्रहियों से निपटने के लिए हमें हथियार की नहीं औजार की जरूरत है, औजार ही मैकेनिक का हथियार है। इनके सामने कोई मशीन साबित नहीं रह सकती। मैकेनिक का अंदेशा नहीं था कि प्रिजन सेल के दरवाजे को डिसमेंटल करते ही सेल के भीतर फिट एलियन स्नाइपर लेजर स्पीरो खुद की ओर मुड़ गया था। अगले क्षण लेजर उसे राख कर ढेर बनाने वाली थी। कितने भी औजार ले आओ, युद्ध में निर्णायक फैसले सिर्फ हथियार से होते हैं। बैडमैन मैकेनिक, तुम दोनों ने हमें कैसे ढूंढ निकाला? इसके लिए अपने फॉर्मर भतीजे को धन्यवाद दो। छोकरा ना सिर्फ तुम लोगों को हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए था, बल्कि पृथ्वी से आए लोगों से वार और ICU मेंबर्स को खोज कर जुट भी करा था। और लोगों ने सूपी का एक छोटा सा बगिंग डिवाइस भी प्लांट कर दिया था। ये केवल तो विशाल का असगर की तरह लिए जाने पर उतारू हैं। इस ग्रह की मशीनी था वो के बताने का समय आ गया है कि जब फर्ज की मशीन क्रियाशील होती है तब हर शख्स होता है निष्क्रिय, हर खतरा होता है निष्क्रिय। प्रोटोप्लास्ट द्वारा मेरा पुराना शरीर नष्ट करने के बाद 1900 से तरह बनाया गया मेरा यह नया शरीर पहले से कई गुना अधिक प्रेशर कर सकता है और पहले से हजारों गुना अधिक पावर के साथ वार कर सकता है। मेरा यह शरीर तो अधिक अड़िक को भी चीर सकता है, तुम्हारी भी साथी क्या है मशीनी कीड़ों? सबसे पहले हमें इस ग्रह के अकाउंट को ख़त्म करना होगा। उन्हें जब तक इस जेल ब्रेक की खबर लग गई होगी, वे किसी ऊपर इस ग्रह के वायु को जहरीला करके पृथ्वीवासियों को मौत की कगार पर पहुँचा देंगे। अब उनके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। सुपर इंडियन के नेतृत्व में सुपर स्क्वाड उस वायु संयंत्र के इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है जो इस ग्रह की वायु को कंट्रोल करता था। डोगा सीधा एग्रोबोट और बायोटॉनिक को प्रिजन ब्रेक की खबर लग चुकी थी। अपनी हरकत से तुमने अपनी और पृथ्वीवासियों की निश्चित मौत को और दर्दनाक बना दिया है। अगर डोगा को जानता होता तो ऐसे बड़े बोलने की हिमाकत नहीं करता। इंसानियत को बचाने के लिए मशीनों के मुंह से भी चित्कार निकलवा सकता है डोगा। रिंग रिंग ब्रूम ब्रूम और शुरू हो चुका था। राग के रक्षक डोगा और मैक्ट्रियम के सबसे शक्तिशाली वॉर कमांडर बर्टोनी के बीच एक आमरण द्वंद, इसका अंत दोनों में से किसी एक के अंत के साथ होना था। पर डोगा ने इस बार ऐसे द्वंद लड़ चुका था जहाँ प्रतिद्वंदी उसे कहीं अधिक प्रबल और शक्तिशाली हो। हमें डोगा की मदद नहीं, डोगा किसी की मदद की जरूरत नहीं। इंसानियत को जिंदा रखने का जज्बा ताकत का सलापन कर दौड़ता है डोगा की रगों में। तकनीक और शक्ति भले ही मैट्रियम वासी डोगा से उन्नत ले जाए, पर जुनून या जज्बा कहाँ से लाएंगे? गलती हो गई हमसे, मौका रहते तुम पृथ्वीवासी कीड़ों को मसल देना चाहिए था। गलती तो वाकई हो गई, तुम भंडार के नस्तरों से जो पृथ्वीवासियों को कीड़े समझ बैठे। तुम पृथ्वी का इतिहास गवाह है कि देवताओं को भी मानव की सहायता की जरूरत पड़ती है। माना कि मानव सभ्यता में अनेकों खामियां हैं, माना कि अपनी गलतियों से मानव ने कई बार अपने और सृष्टि के अस्तित्व को खतरे में डाला है, लेकिन अपनी गलतियों से सबक सीखकर और उन्हें सुधार कर आगे बढ़ना आता है हमें। अगर तुम लोग पृथ्वीवासियों के साथ सामंजस्य बनाकर काम करते हो तो इस समस्या से निपटने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पर तुम्हारी ऐसी सभ्यताएँ जो असीम शक्ति और उन्नत विज्ञान के दम में चूर हैं भूल जाती हैं कि विध्वंसकारी शक्तियाँ बारूद के उस विशाल ढेर के समान ही हैं जिनका विनाश करने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफ़ी है।
यहाँ पर आते समय मैंने इस पूरे स्पेस स्टेशन में बम प्लांट कर दिया। हमें यहाँ से निकलना होगा। ब्लूम, वाकई तुम पृथ्वीवासियों की ताकत को हम बहुत कम करके आंका था हमने। मैं नहीं जानता था हमारे स्कैनर के अनगिनत बार स्कैन करने के बावजूद तुम पृथ्वीवासी इन हथियारों को हमारी नज़रों से छुपाए रखने में कैसे कामयाब हो गए। पर इन मुट्ठी भर हथियारों से तुम ब्रह्मांड के सबसे उन्नत तकनीक के लड़ाकों को मात नहीं दे सकते। टूपर्स, ख़त्म कर दो इन्हें। वायु संयंत्र विभीषण मांग संग्राम का आगाज हो चुका था। अब आसूबत स्क्वाड, यह आखिरी मौका है। दिखा दो इस पूरे ब्रह्मांड को कि सिर्फ तुम सिर्फ कमकल कुछ दिमाग बैल बुद्धि मीट की दुकान नहीं हो। बड़बोला, बहुत बड़बोला है ये छोकरा। जब हम धरती पर वापस पहुँचेंगे तो याद दिलाना, इस छोकरे का टेटवा मरोड़ेगा मरोड़ेगा किंग कॉन्ग। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।